नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आर 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 के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट डे टू की मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदी मार्केट की। साउथ में मुझे कोई टेंशन नहीं इस फिल्म का, लेकिन हिंदी मार्केट में इस फिल्म के साथ क्या क्या हो सकता है वो सब बताने वाला हूं इस वीडियो में, और आपको ये वीडियो आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आरआर की टीम प्रमोशंस में बिजी है, दिल्ली इसके अलावा हैदराबाद और कई सारे राज्यों में भी जाने वाली है। लेकिन आरआर के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदी मार्केट में इसका जो बज़ है अभी भी बहुत ठंडा है, और उसका रीज़न ये है कि एक तो हैवी टिकट प्राइस है, दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली हमारी इधर फिल्म वेनसडे को ओपन होती है, और वेनसडे थर्सडे और फिर फ्राइडे को रिलीज़ होती है 2 दिन पहले। और या फिर हाइप फिल्म की बात करें, स्पाइडरमैन का मैंने देखा था 4 से 5 दिन पहले ही रिलीज़ हो गया था, उसका एडवांस भी चालू हो गया था, उसकी टिकट्स बुक हुई थी, तो उस जैसा क्रेज़ तो अभी लग नहीं रहा है। क्योंकि मैं चलिए आपको एकदम प्रॉपर प्रूफ दिखा देता हूँ। पहले 2D शो के ओर जाऊँगा, मुंबई का मैंने ओपन किया है, कोई मुझे ऑरेंज मार्क नहीं दिख रहा है, एक जगह सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है 9:30 का, अदरवाइज कोई ऑरेंज मार्क नहीं दिख रहा है, यानी कि जो एकदम बोलते ना खतरनाक बुकिंग चालू है, और थोड़ा सा हैंग हो रहा है बुक माई शो मेरा दोस्तों। तो मतलब यही कहूँगा, जो हमें उम्मीद है उस उम्मीद से थोड़ा फिलहाल कम नज़र आ रही है यहाँ पे आरआरआर, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो बहुत हाई फंडू नज़र नहीं आ रहा है। रिस्पॉन्स इज टोटली नॉर्मल, और यहाँ पर कहीं पे भी बहुत ज़्यादा हाई फंडो शोज नहीं मिले हैं, या इसकी बोलते हैं एडवांस बुकिंग खाली ही की खाली है, बहुत ज़्यादा भरा नहीं देख सकते, एकदम खाली है, लिमिटेड है। और मैं बात करता हूँ आप सिलसिले दिल्ली NCR की, दिल्ली NCR में भी रिस्पॉन्स काफ़ी ठंडा है, और दिल्ली NCR में भी टिकट प्राइस देख सकते हैं, टिकट प्राइस ऐसे ही है, मैं बोल रहा हूँ 480 टिकट प्राइस स्टार्टिंग है, 340-350 स्टार्टिंग है, 250 रुपये टिकट स्टार्टिंग है, 270 रुपये टिकट स्टार्टिंग है। 2D शोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, 2D शोज़ की इतने महंगे महंगे टिकट में कैसे फिल्म देखेंगे यार। तेलुगु वर्जन में तो आप लोगों ने टिकट बढ़ाया नहीं है, तेलुगु वर्जन में तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स जो है, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपने टिकट रखा है, लेकिन दिल्ली मुंबई में आपने जो टिकट प्राइस बढ़ा के रखी, तो क्या लगता है ऑडियंस जाएगी फिल्म देखने? ऑफकोर्स फिल्म अच्छी है, मुझे कोई डाउट ही नहीं उस बारे में, मैंने बहुत रिपोर्ट सुनी इनसाइडर्स, बट टिकट प्राइस आपको एक लिमिट तक रखनी चाहिए। 2D शोज के टिकट प्राइस देख सकते हैं 260-600, हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे इतने है, बड़े हैं, मैं जा रहा हूँ 600 रुपये का देखना है। पीपल आर गोइंग टू वॉच इट आई एम श्योर, बट इतना महंगा मतलब गलत कर रहे ना। सेम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने भी यश राज का जो फिल्म था औंधे मुंह गिरी थी वो फिल्म, और उस फिल्म का भी टिकट जो था बहुत ज़्यादा महंगा था, 3 दिन में वसूल करने की कोशिश की, और ये 3 दिन में 100 करोड़ के ऊपर गई, और लाइफ टाइम 145 करोड़ सिमट गई। तो ये होता है, आपको कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, ऑफकोर्स ये कंटेंट वाली फिल्म है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स है नॉर्थ इंडिया में दिखा रहा हूँ बहुत ठंडा है, नॉर्थ इंडिया में इसका रिस्पॉन्स काफ़ी ठंडा है, मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है 5 से 7% ही इसकी एडवांस बुकिंग हुई है नॉर्थ मार्केट में, और ये आप इसको कुछ करोड़ में ही आ सकते हैं फिलहाल एडवांस बुकिंग, मुश्किल से 2 से 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुई होगी एडवांस बुकिंग हिंदी मार्केट से अभी तक की। मैं साउथ में अगर दिखा दो, साउथ में तो एक सेकेंड मैं अहमदाबाद पहले दिखा देता हूँ, साउथ में तो पागलपन छाया ही हुआ है। टिकट प्राइस देखिए ना यार, टिकट प्राइस देखिए इधर चलो थोड़ा सस्ता है, कहाँ पे सस्ता इसको नहीं बोलेंगे, अहमदाबाद में इधर नॉर्मल प्राइस है थोड़ा कहीं की जगह, लेकिन ज़्यादातर महंगा है। अब मैं 3D शोज़ की बात करता हूँ, 3D शोज़ की मैं पहले मुंबई आ जाता हूँ, 3D शोज़ की बात करता हूँ, मुझे खुशी इस बात की इसके बाकी अलग अलग वर्जन में शोज़ दिए गए हैं, और मैं खुद 3D में देखने का मन बनाया था, तो 3D में देख सकते हैं 200 रुपये यहाँ पे हब में तो काफ़ी हद तक ठीक है, और कई सारी जगह आपको 200 के नीचे नहीं मिलते। देखिए सुबह 10 बजे का शो है, 380-360, 700, 220, 550, 540, 210, यानी कि आपको अगर देखना है 3D तो आपको 250 से 300 रुपये तो कम से कम चुकाने पड़े, 300, और 300 वो भी आगे की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, पीछे की सीट की नहीं, पीछे का सीट का तो आप भूल ही जाओ, इतना महंगा टिकट प्राइस रखा है 3D शोज का, आप सामने दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सिनेपोलिस फन रिपब्लिक जहाँ पे इसका टिकट हम लोग फिल्में जो है बहुत लिमिटेड प्राइस में देखते हैं, वहाँ इसका टिकट देख सकते हैं, सुबह का 8 बजे का शो का मैं टिकट बताने जा रहा हूँ, जो टिकट आपको 500 में मिलेगा वो भी काउंटर पे, 290 रखा है नॉर्मल, एग्जीक्यूटिव 310 रखा है,
यानी कि पब्लिक के पास इतने पैसे नहीं है कि आपके फिल्म पे ही सिर्फ उड़ा दे यार, पब्लिक को और भी इधर उधर काम। इतना महंगा टिकट प्राइस रखा है इस फिल्म का, मतलब जिसका कोई लिमिट नहीं है। और 3D शोज काफी ज्यादा मिले हुए, 2D से भी ज्यादा, एक अच्छी खासी बात है। तो शोज मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता उसका इशू है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हैवी जो टिकट प्राइस है, इससे इस फिल्म को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है मुंबई में, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते क्या होता है क्या नहीं होता। दिल्ली एनसीआर की थोड़ी बात कर लेते हैं हम। दिल्ली एनसीआर में मैं थोड़ा तेलुगु शोज का दिखा देता हूँ आपको। मैं एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में हिंदी 3D शोज देखना चाहता हूँ। अच्छे खासे स्क्रीन काउंट मिले, सो इसको स्क्रीन काउंट भी अच्छे खासे मिल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन काउंट उसको कुछ नहीं तो 3,000 के आसपास जरूर मिले होंगे। यहाँ पर मेरी यही मतलब मुझे कहना है आप लोगों से दोस्तों, कि हिंदी मार्केट में इसका जो एडवांस बुकिंग है सेकेंड डे के रिपोर्ट के हिसाब से, वो 5 to 7% ही अभी तक ठंडा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है, और इस फिल्म को हिंदी मार्केट में लोग जूनियर एनटीआर रामचरण के लिए नहीं देखने जाएंगे। इसको देखने जा सकते हैं तो अजय देवगन के लिए देखने जाएंगे, और इसको देखने जाएंगे तो लोग आलिया भट्ट के लिए देखने जाएंगे। ऑफकोर्स एस एस राजामौली का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस फिल्म के साथ होने वाला क्या है। इसका जो वर्ड ऑफ माउथ रहेगा फर्स्ट डे का, उसके ऊपर पब्लिक टिकट बुक करेगी, देखना। और अगर मॉर्निंग शो का इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा आफ्टरनून शोज तक का, फर्स्ट डे मतलब फ्राइडे को, तो पब्लिक इसकी टिकट धड़ल्ले से खरीदेगी। लेकिन हाँ, इस फिल्म को ये पक्की बात है कि द कश्मीर फाइल से दिक्कत मिलने वाली है पहले वीकेंड में। इसको पहले वीकेंड में बहुत बड़ी दिक्कत मिलने वाली है, उसके बारे में अलग से बात करूंगा। लेकिन फिलहाल ये कहूंगा कि RR की प्रमोशन बहुत जोर से स्टार्ट है, और मैं साउथ इंडिया का एक बार दिखा देता हूँ। साउथ इंडिया अलग ही रैम्पेज पे है, क्योंकि मैं कल चेक कर रहा था, आपको टिकट नहीं मिलने वाली है। ये तो हिंदी शो है, हिंदी में तो छोड़ो, तेलुगु की बात करता हूँ। 2D और 3D देख सकते हैं, एक भी टिकट नहीं मिलेगी। तेलुगु वर्जन पूरा फुल है हैदराबाद में, पूरा फुल है। लेकिन एक सिटी और एक राज्य में फुल होने से क्या मतलब है, आपको हर जगह फुल होना चाहिए कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर देखे जाए, चेन्नई की बात कर लेता हूँ, चेन्नई में भी धीरे धीरे बुकिंग चालू हो गई। यानी कि इसका जो क्रेज है वो साउथ इंडिया तक ही है। मुंबई में जो क्रेज है या दिल्ली में क्रेज है, नॉर्थ इंडिया में वैसा क्रेज नहीं है जैसा क्रेज होना चाहिए था। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वापस से आपको यही कहना चाहूंगा कि अभी भी रिस्पॉन्स काफी ठंडा है RR का हिंदी मार्केट में, और अगर ऐसे ही ठंडा रिस्पॉन्स रहा लास्ट या सेकेंड लास्ट डे तक, तो ये आप मान के चलिएगा कि RR को भी परेशानी बहुत देने वाली है द कश्मीर फाइल्स फिल्म। आपकी क्या राय है सेकेंड डे के एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट को जानकर? थर्ड डे फोर्थ डे भी मैं इसके एडवांस बुकिंग रिपोर्ट दूंगा, लेकिन फिलहाल 5 to 7% इसके एडवांस बुकिंग हुई है। और टेंशन मत लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे दिन आएगा, स्पेशली 2 दिन के बाद, इसके एडवांस बुकिंग जोर से शुरू हो जाएगी, अच्छे से मतलब। चलिए फिर कितना